साहिबगंज के पुलिस उपाधीक्षक राजेंद्र दुबे प्रवर्तन निदेशालय ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में शुक्रवार को उपस्थित हुए। इन पर राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान के कॉटेज में लाजवाब सजायाफ्ता पंकज मिश्रा से फोन पर बातचीत करने का आरोप लगा है। उन्हें ईडी ने समन कर 1 दिसंबर को बुलाया था, लेकिन 8 दिसंबर को राजेंद्र दुबे उपस्थित नहीं हुए। ईडी के अधिकारियों ने अब राजेंद्र दुबे से पूछताछ शुरू कर दी है। ईडी की तरफ से साहिबगंज जिले में हुए 1,000 करोड़ के अवैध खनन और ट्रांसपोर्टेशन घोटाले का मुख्य आरोपी पंकज मिश्रा को बनाया गया है। ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में संयुक्त निदेशक स्तर के अफसर पंकज मिश्रा और डीएसपी के बीच हुए आईडी फोन प्रकरण मामले में पूछताछ शुरू कर दी है। इसी मामले में ईडी ने 6 दिसंबर को सूरज पंडित और 7 दिसंबर को चंदन यादव को पूछताछ के लिए समन किया था। ये दोनों भी ईडी के समक्ष हाजिर नहीं हुए थे। ईडी इस मामले में पुलिस पदाधिकारी व दोनों अन्य आरोपियों के उपस्थित नहीं होने को काफी गंभीर मान रही है। ईडी को संदेह है कि साहिबगंज डीएसपी पंकज मिश्रा के निर्देश पर जिला पुलिस के माध्यम से कथित तौर पर अपने विपक्षियों के खिलाफ बदला लेने की नियत से काम कर रहे थे। पंकज मिश्रा न्यायिक हिरासत में रिम्स से डीएसपी को लगातार फोन करते रहे। पंकज मिश्रा ने डीएसपी को ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए जिन लोगों ने अवैध पत्थर खनन घोटाले में ईडी के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया था। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।